Here we go for the Unacademy Road Safety World Series toss, semi-final number one. The skippers are with me as well. Satch has got the coin. Brian, you're going to call? Heads. Heads is the call. Heads it is. Brian, what have you decided to do? We're going to bowl for a second. The news in the middle is the West Indies have won the toss and they've elected to bowl first. Let's crack it! Oh ho ho! Virendra Sehwag! Itni shuruaat char runon ke saath. Is shot se aisa nahi lagta ki set ho gaya hai. लेकिन ये उनका अंदाज है बैटिंग का, इसी तरह से बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं. कोई मौका मिल जाए, चाहे वो पहली बॉल क्यों ना हो, चूकते नहीं है. और ओवर पिच डिलीवरी थी जिसका कि उन्होंने पूरा फायदा उठाया. ऑन साइड को पिक किया है, गैप ढूंढ लिया है वाइड एश में, विकेट की दिशा में चार और उनके नाम. चारों तरफ उन्होंने रन बनाए थे, इस बार खेल दिया ऐसे हवा में, जैसे ही उनके इलाके में आई से अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स के लिए. बढ़िया शॉट और यही वीरेंद्र सहवाग से एक्सपेक्टेड है. जैसे ही हम सोच रहे थे कि दोनों सोच रहे हैं कि ज्यादा अटैकिंग शॉट्स नहीं खेलने स्मिथ को, उसका जवाब दिया वीरेंद्र सहवाग ने कि मेरे इलाके में आएगी तो फिर आपको बताऊंगा हम क्या सोच के आए हैं. और ये सोच के आए, स्विंग ढूंढ रहे थे ड्वेन स्मिथ, मिला केवल बल्ले का स्विंग. एक बार फिर गैप ढूंढने में कामयाब, चार रन और सहवाग के नाम. टाइमिंग और प्लेसमेंट जबरदस्त. शॉट शॉट, क्या बात. एक तरफ से बच जाएंगे तो दूसरी तरफ से उसी आसानी से रन बना लेंगे सचिन तेंदुलकर. तो रवि शास्त्री उनसे इंटरव्यू कर रहे थे. शॉट बॉल कट कर दिया और आउटफील्ड यहाँ की काफी तेज है. फील्डर के हाथ पर भी बॉल लगी, उसके बावजूद भी बाउंड्री के पार चली गई. हाथ खोलने का मौका और चार रन और वीरेंद्र सहवाग के नाम. इस बार इंतजार किया और भेज दिया गेंद को एक टप्पे के बाद बाउंड्री रोप के पार. चार और सहवाग के नाम. चार ओवर समाप्त, 48 बिना नुकसान. इस बार हवा में लेकिन गैप के अंदर और चार मिल जाएंगे सचिन तेंदुलकर को. तो हमारी जो एक्सपीरियंस है बॉलिंग में वो अच्छा यूज कर सकते हैं और हम डिफेंड भी करेंगे. धन्यवाद प्रज्ञान. फिलहाल तो विकेट एक गिरा है जो अंदर की तरफ आ रही थी. ये एक बार फिर से देखते हैं, ये अंदर की तरफ आई और जैसे ही उन्होंने पुश करने की कोशिश, थोड़ी धीमी गति से टप्पा खाने के बाद आई, धीमी गति से गेंद की थी और पुश किया वापस बॉलर की तरफ. वो टीनू बेस्ट ने आराम के साथ कैच कर लिया और ये पहला विकेट गिर गया है भारत का. और ये शॉर्ट पिच थी और हुक किया, चरण. अकेडमी अनअकेडमी क्रैकिंग सिक्स, अद्भुत स्ट्रोक, क्या टाइमिंग. हम कह सकते हैं कि वक्त को जैसे पीछे छोड़ दिया है, घड़ी की रफ्तार को फिर से पीछे छोड़ दिया. क्या बात है, हालांकि बैट के थोड़े से ऊपरी हिस्से में लगी थी लेकिन कितनी जल्दी पोजीशन में आ गए थे क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, इतने समय से क्रिकेट नहीं खेले उसके बावजूद साना दे, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत हुई है इस बार ऊंची खेली हुई है. शॉट बॉलर के सर के ऊपर से, यही बिल्कुल ऐसी बॉल थी पिछली जिसमें मोहम्मद कैफ ने सिंगल लिया था. इस बार ऑफ साइड में थोड़ा सा स्लाइस हो गया लेकिन पॉइंट के ऊपर से चारण के लिए यह करारा स्ट्रोक है. अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स, इसी अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी मोहम्मद कैफ को. बिल्कुल एक बढ़िया क्रीज के कोने से गेंद की, काफी शॉर्ट पिच गेंद थी और बैक फुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बना ली, अपने आप को ठीक से पोजीशन किया. हालांकि फ्रंट फुट पर ही थे लेकिन फिर भी जो परिवर्तित कर लिया वेट को, ट्रांसफर ऑफ वेट जिसको कहते हैं बैक फुट पर, और सुंदरता के साथ पुल कर दिया. ये फिर से शॉट ऑफ लेंथ और फिर से उठाया, इस बार बॉलर के ऊपर से और फिर से अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स. बढ़िया बल्लेबाजी, शॉर्ट पिच गेंद थी और सिर्फ दिशा दिखाई. दबाव महसूस कर रहे ड्वेन स्मिथ. शॉट और मिसफील्ड के चलते चार रन. अब जिस तरीके से वो मोमेंटम शिफ्ट हुआ था पिछले ओवर की तीन गेंदों में, वो साफ तौर से पता चल रहा है कि कितने दबाव में वेस्ट इंडीज लेजेंड्स की टीम. बहुत जल्दी गेंद की लंबाई को पढ़ लिया था
और चौका जड़ा। ऑस्टिन दबाव महसूस कर रहे हैं, बड़े बड़े गेंदबाजों ने दबाव महसूस किया जब मास्टर के सामने गेंदबाजी उन्होंने की है। शॉर्ट पिच गेंद थी और पूरा फायदा उठाया। टॉप एज ज्यादा दूर नहीं गई है और भाग्यशाली रहे राम नारायण, जज नहीं कर पाए। भागीदारी जो है 53 रनों की 38 गेंदों में कैफ और तेंदुलकर के बीच में, और ये उठाया ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर कैच के रूप में जा रही है और उसी के साथ ये कैच चला गया लॉन्ग ऑन पर और आउट। मोहम्मद कैफ आउट होकर वापस जा रहे हैं, पवेलियन में ताकत उतनी नहीं दे पाए, उतनी तेज गेंद थी नहीं और सीधी लॉन्ग ऑन पर फील्डर के पास और दूसरा विकेट खो दिया है भारत। और पिच गेंद थी और उस शॉट में उतनी ताकत नहीं, बैट के बिल्कुल निचले क्रम पे गेंद लगी। नागामुटू का अच्छा कैच, बहुत बढ़िया जजमेंट डगआउट में भी दिखाई दिए थे। और यहां पर ये दिल स्कूप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन, और ये दूसरा अर्धशतक मास्टर का, मास्टर क्लास शानदार तरीके से अर्धशतक पे पहुंचे चौके के साथ। बहुत जल्दी गेंद की लंबाई को पढ़ लिया था और सिर्फ दिशा दिखाई थी और इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में लॉन्ग ऑन के ऊपर से अन अकेडमी क्रैकिंग 6। अद्भुत स्ट्रोक, क्या बढ़िया टाइमिंग और क्या आश्चर्यजनक इरादा। छोटे कद का ये खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े काम कर चुका है भारत के लिए और आज फिर कर रहा है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, हाफ वॉली थी, मिड ऑन का खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के अंदर, अगर लॉन्ग ऑन पे भी खड़े होते तो सिर्फ दर्शक ही रहते क्योंकि उस शॉट में पूरी तरीके से ताकत था, ऊंचा नहीं था, फ्लैट हिट। ये बैक फुट पर गए और पुल किया और ये अन अकेडमी क्रैकिंग 6 मिड विकेट के ऊपर से अद्भुत स्ट्रोक सचिन तेंदुलकर ने। ओवर की पहली गेंद पे जब ये छक्का लगा है तो ये बड़ा ओवर तब्दील करने की पूरी कोशिश रहेगी। जी हाँ, ऑस्टिन भी समझते हैं कि इस खिलाड़ी को जब वो अर्धशतक में बल्लेबाजी कर रहा हो यहाँ नहीं डाल सकते, वो कहा जाएगा। और इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से अन अकेडमी क्रैकिंग 6। ओवर की समाप्ति 140 रन दो विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद। जैसी दिलचस्पी कमी देखने को मिलती है रायपुर में, जिस तरह की बल्लेबाजी सचिन तेंदुलकर प्रस्तुत कर रहे हैं और ये 81 मीटर छक्का। जिसने सफलता हासिल की थी, बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे, लेकिन थर्ड अंपायर के पास जाके चेक जरूर करेंगे कि पाव लगा कि नहीं लगा। बात अब अंपायर कर रहे हैं, रिप्ले देखते हैं और ये पीछे की तरफ जाते हुए संतुलन बिगड़ रहा है और ये देखना पड़ेगा, ये बेहतर एंगल है, ये अब थर्ड अंपायर को कुछ हिस्सा हुआ है, ये थर्ड एम्पायर के ऊपर बहुत ही मुश्किल निर्णय रहेगा। दिलों की धड़कनें थाम कर रही है और आउट करार दिए गए। कवर्स के ऊपर खेलना चाहते थे, बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे कैच जज किया, बैलेंस किया, थोड़ा सा दुविधा में थे कि पांव टच हुआ कि नहीं। ये धीरे से स्टीयर किया, स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ जा रही है, बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन देखना है कि 4 रन के लिए जाती है अथवा नहीं। 4 रन ओवर की समाप्ति, 15 ओवर के बाद 146 प्रति। और अगर यूसुफ पठान के बल्ले से इस तरह के अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्सेस लगते रहे तो थोड़ा सा काम और आसान हो जाएगा इंडियन लेजेंड्स के लिए। रायन ऑस्टिन से पर पावर है बाउंड्री राइडर को क्लियर करने की, इस बार पकड़ में आई नहीं गेंद लेकिन फिर भी 4 रन मिल जाएंगे इसकी बल्लेबाजी की। टीनो बेस्ट
ओ कैच बन सकता था, एफर्ट काफी अच्छा पर्किंस का। यहां पे यूसुफ पठान का बल्ला बोलता हुआ, अल एकेडमी क्रैकिंग सिक्स, आंकड़े थोड़े से बिगाड़ दिए हैं इस सिक्स के साथ 169 पर 317 ओवर के बाद। और इस बार युवराज सिंह ने जबरदस्त हिट लगाने की कोशिश, लेकिन सीधा फील्डर के पास और कैच ड्रॉप। जी हाँ, डाउन द ग्राउंड शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले पे उस तरह से आई नहीं गेंद और कैच। ओ नागामोटू, इस बार ओवर द टॉप, चार रन, फाइन लेग ऊपर रखा था, स्पॉट पिक कर लिया था युवराज सिंह ने, पर फिर है युवराज सिंह, लीजिए करारा प्रहार और अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स। कहते हैं ना दुनिया गोल है, क्या छोड़ा और अब खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाउंड्री रोप का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक और अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स है। ओहो, दो बॉल में दो, पहले ये कारनामा एक कर चुके हैं 2007 के विश्व कप में, छह बॉल में छह सिक्स लगा चुके हैं स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉलिंग में। और अब इस ओवर में जो 19वां ओवर है, पहली दो बॉल पर दो सिक्स, और नारा मुत्तू तो मुझे ऐसा लग रहा है अपनी लेग स्पिन बॉलर है, लेकिन मीडियम पेस कर रहे हैं, इस स्पीड पे मीडियम पेस करेंगे तो बच नहीं पाएंगे, इसे लेग स्पिन करें तो कोई मौका बने, एक और, तीसरा। इस बार डाउन द ग्राउंड, एक और सिक्स, एक बार फिर डाउन द ग्राउंड, ऊंचाई भी दूरी भी, अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स युवराज के बल्ले से। इसके बाद चौथा लगभग 80 मीटर लंबा, एक और बड़ा शॉट, बाउंड्री राइडर इसे नहीं रोक पाएगा, क्या रोक लिया, तीनों बेस्ट, जबरदस्त कमिटमेंट, लेकिन युवराज के नाम दो रन और, तो दूर रह गए थे। क्या बात है, अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स, स्लाइस कर दिया है, एक रन मिलेगा, 49 पर पहुंचे युवराज सिंह, लेकिन 20 ओवर समाप्त इंडिया लेजेंड्स की पारी के, 218 रन तीन विकेट के नुकसान पर। वेस्ट इंडीज लेजेंड्स को आगे इस प्रतियोगिता में बढ़ने के लिए, यानी कि फाइनल में प्रवेश करने के लिए 219 रन बनाने हैं। लेट्स क्रैक इट, आज मुझे लगता है मनी भैया गति में परिवर्तन बहुत देखने को मिलेगा T20 क्रिकेट में। इरफान पठान ने, लेकिन इस बार रूम मिला ऑफ स्टंप के बाहर, और ये अब देखने को मिलेगी आतिशबाजी, और 20वें में 16, आह बढ़िया शॉट, और उसी पोज में खड़े रहे फोटोग्राफर्स के लिए, वो बहुत जरूरी है क्योंकि ये पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। कोई परेशानी नहीं पर्किंस को वहां पर, इस लेंथ से तो फिर आसानी से शॉट्स लगेंगी कि साथ उन्होंने ये रन बनाए हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रूम, और अब स्मिथ ने कहा मेरी बारी, पहले ओवर के बाद 19 बिना किसी नुकसान। खुश होंगे ब्रायन लारा और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स का ये खेमा, जिस तरीके से पहले ओवर में 19 रन आए थे, पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे ड्वेन स्मिथ का करारा चौका कवर्स के ऊपर से, एक आधा शांत ओवर निकलना भी बहुत जरूरी, ये करीबी मामला हो सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, स्टंप्स टू स्टंप्स, डैश पर मिस, आई हिट, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए पर्किंस, और ये इंडिया लेजेंड्स को, इंडिया लेजेंड्स के बोलर्स को लगातार अंतराल पर करना होगा, लेकिन ये समझबूझ के साथ बॉलिंग की, बड़ी अच्छी लंबाई की ये बॉल थी ताकि खुलकर वो शॉट्स ना खेल सके, और इनके पास गति भी है तो उसका भी इनको फायदा मिलता है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं थी, एम्पायर का सर जैसे पहले हिला उसी से पता चल गया था कि काम हो गया है। ओवर पिच गेंद और सिर्फ दिशा दिखाई, मनोबल बढ़ेगा, बहुत बढ़िया कैच वहां पकड़ा था, कोई रन नहीं, फ्री हिट थी, युवराज सिंह विंटेज बेस्ट, हमेशा पॉइंट पे खड़े होते थे, नो बॉल थी, डाइव करके वहां पे कैच पकड़ा, यानी कि रन रोके,
और अच्छी बात कि फ्री हिट को बाउंड्री में तब्दील नहीं किया, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने रियलाइज नहीं किया कि ये नो बॉल थी। बड़ी हिट एन एकेडमी क्रैकिंग सिक्स, गेंद को वापस सैनिटाइजर के साथ भेज दीजिए। एकेडमी क्रैकिंग सिक्स, गुडा टेक कवर ड्राइव के साथ ओवर की समाप्ति। चौदह रन ओवर से, क्या शानदार शॉट था स्मिथ का, गुडा टेक। ये अमूमन हम देखते नहीं है मुनाफ पटेल से क्योंकि विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, लेकिन इस बार ऑप्शन के बाहर बहुत ज्यादा रूम दे दिया था, कदमों का इस्तेमाल किया, टैग नहीं किया, मास्टर के हाथ में कैच थमाया और इसीलिए थ्रो बहुत जल्दी किया था क्योंकि नो बॉल। रिडली जेकब्स है, ब्रायन लारा स्लॉट में, गेंद थी उतनी अच्छी तरीके से, टाइम नहीं लेकिन फिर भी बाउंड्री मिलेगी। बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, युवराज सिंह को नहीं बीट कर सकते और इस बार बैट का बाहरी किनारा जानबूझकर खेला, हालांकि आखिरी वक्त पर बैट का मुंह खोला और थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। ये सीधा ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरती के साथ बॉलर के ठीक पास से, चार रन। ये उठाया इस बार ऑन साइड में बॉलर के ऊपर से और मिड ऑन के ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत रन। अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स के लिए भी क्या थे, ज्यादा रफ्तार तो उनकी नहीं है लेकिन जो पिछला छक्का लगाया था देखिए, बहुत बढ़िया टाइमिंग थी। ये बॉल फिर से स्लॉट में थी, ये बैकफुट पर गए, उठाया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, चार रन। बारी किनारा लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से और आउटफील्ड हमें सभी को पता है कितनी तेज है, यहाँ पर चार रन मिलेंगे और ये बैकफुट पर जाकर कट किया, जानबूझकर लेट कट किया, काफी जोर से किया था और बैकफुट पॉइंट और शॉर्ट स्क्वायर थर्ड मैन के बीच में से निकाल दिया। देखी फ्लाइटेड डिलीवरी थी लेकिन इस बार बहुत जबरदस्त शॉट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ और 30 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया स्मिथ ने। ये फ्लाइट करे और ड्राइव करने दे बेशक, ये और जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बॉल हवा में, यहां पर एक मौका, चूक गए। जिस तरह की लय में बैटिंग कर रहे हैं स्मिथ, ये जो मौका उन्होंने दिया था इसे लपकना बहुत जरूरी था। ये बैकफुट पर गए और मारना चाहते थे ऑन साइड में मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से, लेकिन बैट का भीतरी हिस्सा लगा और गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, चार रन के लिए। ये स्लॉट में थी और ऑन साइड में खेला है मिड विकेट की तरफ, चार रन। चला रन का ओवर का इस बारी मौका बन सकता है। इरफान पठान की गेंद पे भाई यूसुफ पठान ने, इरफान पठान ने उनका आउट किया, कदमों का इस्तेमाल किया, बीट किया हवा में, शानदार गेंदबाजी प्रज्ञान ओझा द्वारा, जिसको कहा जा सकता है। ये देखिए किस तरह आगे की तरफ खींचा, हवा में बीट किया और बाकी काम नमन ओझा जो विकेट कीपर है उन्होंने, और इस बार बॉलर के ठीक पास से, क्या शॉट है, बिल्कुल चाबुक की तरह लगी गेंद सीधी और सीधी बॉलर के पास से, चार रन के लिए। ये भी बढ़िया शॉट है, करारा स्ट्रोक है, ताकत और प्लेसमेंट। लेग स्टंप के बाहर थी और इस बार उठाने की कोशिश की थी लेग साइड में, लेकिन पूरी तरह चूके, विकेट कीपर के हाथ से भी चूक गई और आगे निकल कर आए, उठाया ऑन साइड में लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बहुत लंबा, अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स। बहुत जल्दी पिक कर लिया था, अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स,
शानदार बल्लेबाजी देव नारायण द्वारा दूसरा अर्धशतक और बैक टू बैक अर्धशतक। क्लासी इस बार कदमों का इस्तेमाल, कॉट एंड बोल का चांस, चूके बॉलर। इस बार हवा में इनफील्ड को टपाया, चार रन और ब्रायन लारा की नाव। हमें पता हो फिर से जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश और अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स। क्या बात है, क्या बैटिंग है ये। इस बार सोच बदली और नतीजा भी बदला, चौका मिलता हुआ आखिरी गेंद पर ओवर की, सात रन आए उस ओवर से 194/3। और ये घटा पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर, बहुत जल्दी पिक कर लिया था इस शॉर्ट बॉल को। और ये ग्रेट प्लेयर्स है लारा। इस बार फिर एरियल रूट, चार रन और उनके नाम। विकेट, बहुत अहम विकेट विनय कुमार लेते हुए, ब्रायन लारा को जाना पड़ेगा वापस। लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ने दिया विनय कुमार ने, ज्यादा स्पीड नहीं दी थी, विकेट टू विकेट रखी थी और दर्शक जो सर नीचे करके बैठे थे एकदम से उछल पड़े अपनी अपनी सीट पर। इस बार दूरी नहीं मिलेगी, कैच छूटता हुआ मनप्रीत धोनी से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिलीवरी है, कदमों का इस्तेमाल करके जोरदार शॉट लगाने की कोशिश, बॉल हवा में, विकेट कीपर बॉल के नीचे और ये जबरदस्त सफलता भारत के लिए। 6 बॉल में 17 रन और चाहिए वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए। और ब्रायन लारा का रिएक्शन देखिए कि जब बॉल हवा में थी तो रुके रहते वहां पर ताकि देव नारायण के पास स्ट्राइक रहती, लेकिन ये भी एक एडवांटेज मिला। सो तीन तीन फायदे मिले इंडियन लेजेंड की, बड़ी शॉट ना लगा सके, बढ़िया डिलीवरी और बॉल को वापस मांग रहे थे। यहां पर रन आउट का मौका और एक और विकेट भारत के नाम। टीवी अंपायर को रेफर किया गया है लेकिन क्या पहुंच गए देव नारायण जी, नहीं आउट। और डॉट बॉल, यानी कि इंडिया लेजेंड्स ने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है अन अकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल के अंदर। 12 रन से जीत दर्ज करते हुए इस पहले सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के खिलाफ।